इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितनी अजीब बात है। हम अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, पर हमारे समाज को नहीं। पानी तब तक स्वच्छ रहता है जब तक वो बहता रहे। इसी तरह समय के साथ साथ हमारे विचार, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा तो हम पिछड़ जाएंगे, मलिन ही रह जाएंगे। क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया है, क्या हम उस एक दिए से हजार दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, यह शक्य नहीं। आप मेरे निश्चय को पूरा कर सकती हैं? आपका प्रेम ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है ना। सावित्री बाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और वो देश की पहली महिला अध्यापिका बन गई थी, और उन्होंने गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। काका, मैं आपके बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियाँ भी पढ़ें, लिखें, वो भी कुछ बने? क्या आप चाहते हैं कि वो भी वो सब भुगतें जो आप लोगों ने भुगता है? आपकी बच्चियों का भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं, नहीं करना हमको भरोसा, हमारी मुर्गियों को नहीं पढ़ाना हमको। उनके इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया, और कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया। ऐसा करके उन्होंने घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व और पेशवा साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का काम किया था। वह हमारी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे, हमारी सामाजिक मान्यताओं का अपमान करे, हम ये कदाचित सहन नहीं करेंगे। आप हमारी नियति के नियमता, आप जो उचित समझे कार्रवाई करें। इस राज्य का प्रशासन आपके साथ, हम समाज की दुर्गति नहीं।